Hello friends, good morning. Again, we are making lecture on syntax. I will discuss third rule of this chapter today. We have already discussed three rules. हम पहले तीन rules के discuss कर चुके हैं. चलिए start करते हैं. Rule number three. Very important rule. देखिए, जब भी ईच एवरी ईदर एंड नेदर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो हम इनके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर लेंगे हम. Whenever each, every, either and neither work as a subject, we must use noun and verb in singular form. देखिए, each boy is good in my class. ईच के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिमिलर हैं. सिमिलरली एवरी बॉय इज हेल्दी इन दिस विलेज. मैंने एवरी के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिमिलर लिए हैं. सिमिलरली इधर रोड इज वेट नेदर पेंसिल इज शार्प. यहाँ पे हमने क्या देखा, ईच एवरी ईदर और नेदर के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर. सिमिलरली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो जनरली ईच ईदर और नेदर के बाद में ऑफ लगा के क्वेश्चन पूछता है. ऐसे में क्या करना पड़ता है, अब ये ध्यान रखेंगे, जब ईच ईदर और नीदर के बाद में हम ऑफ लगा देते हैं तो हमारा नाउन इट विल बिकम प्लूरल लेकिन वर्ब विल रिमेन सिंगुलर. ये आप ध्यान रखेंगे, ईच ईदर और नीदर के बाद में जब भी ऑफ आएगा तो आपका जो नाउन है इट विल बिकम प्लूरल लेकिन जो आपका वर्ब है वो रहेगा सिंगुलर. बिकॉज जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो अभी भी ईच इधर और निधर ही है. जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज गुड. आपने देखा फर्क, ईच के बाद में जब ऑफ आया है मैंने द यूज किया है, नाउन आपका हो गया है प्लूरल लेकिन आपका जो वर्ब है इट इज इन सिंगुलर. क्यों है भाई सिंगुलर, क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो तो ईच है ना. और हमारा रूल क्या है, व्हेनेवर ईच एवरी ईदर एंड नीदर वर्क एज अ सब्जेक्ट वी मस्ट यूज सिंगुलर वर्ब. अब देखिए, ईच ईदर और नेदर के बाद में अगर ऑफ लगाया जाएगा तो नाउन विल बिकम प्लूरल लेकिन वर्ब विल रिमेन सिंगुलर. इसके ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन ले लूंगा एक और, ईदर ऑफ द, देखिए इधर मैंने लिखा रोड इज वेट. वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है ईदर. तो इसके बाद में जो हमें नाउन दिखाई दे रहा है इट शुड बी
प्लूरल एंड द वर्ब शुड बी सिंगुलर बिकॉज वाक्य का सब्जेक्ट तो इधर है हमारे पास, इधर के बाद में, ईच के बाद में और निद्र के बाद में जब भी ऑफ आएगा और द आएगा, नाउन विल बिकम प्लूरल बट द वर्ब विल रिमेन सिंगुलर. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. Neither of the boys, neither of the boys are happy. अब देख रहे हैं वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, neither. रूल क्या है, अगर each, either और neither के बाद में of आएगा और the आएगा, noun will become plural, लेकिन verb has to be in singular form. तो हमारा एरर कहाँ है, यहां है. यहां पे क्या आना चाहिए, नेदर द बॉयज इज हैप्पी. देखिए भाई आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ईच एवरी ईदर नेदर, इनके बाद में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे. लेकिन अगर मैं ईच के बाद में ऑफ लगाता हूं, इधर के बाद में ऑफ लगाता हूं और नेदर के बाद में ऑफ लगाता हूं, तो ध्यान रखेंगे नाउन विल बिकम प्लूरल, वर्ब विल बी सिंगुलर. देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि एवरी के बाद में हमने ऑफ क्यों यूज नहीं किया, ईच के बाद में, एवरी, इधर, नीदर के बाद में हमने यहाँ पे ईच, इधर और नीदर के बाद में ऑफ लगाया, लेकिन एवरी के बाद में ऑफ नहीं लगाया हमने. तो भाई एवरी के बाद में ऑफ आता ही नहीं है. क्यों नहीं आता है, बिकॉज एवरी इज अ प्योर एडजेक्टिव. अगर मैं लिख दूं एवरी ऑफ द boys is good, so this is wrong. तो ऐसे में correction कैसे करेंगे, आप इस every को every one बना दीजिए, या फिर every को आप each भी बना सकते हैं. So we have two methods of doing correction. या तो आप every को every one बनाइए, या every को आप each भी बना सकते हैं, क्योंकि each के बाद में of आ सकते हैं, every के बाद में of का इस्तेमाल नहीं करते हैं. राइट फ्रेंड्स, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम इसी चीज के ऊपर. जैसे समटाइम्स वी स्पीक इन द मैनर, वन ऑफ द बॉय इज एबसेंट. अब आप देखिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज वन जो कि अपने आप में सिंगुलर है. अब देखिए वन ऑफ द बॉय, यहां पे नाउन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म. लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने वर्ब कैसे यूज किया है, सिंगुलर. तो ये जो चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी वाक्य का सब्जेक्ट वन का साउंड दे, उसके बाद में ऑफ आए और द आए, तो नाउन शुड बी प्लूरल बट द वर्ब विल रिमेन सिंगुलर. अब यहां भी देख सकते हैं हम, जैसे ईच, ईच माने क्या हुआ, प्रत्येक, तो एक का साउंड आया, इधर दो में से एक, नीदर दो में से एक भी नहीं, हर बार एक का साउंड आ रहा है, तो उसके बाद हमने ऑफ यूज किया है, तो नाउन इज प्लूरल, वर्ब इज सिंगुलर. और फ्रेंड्स ये मिस्टेक हम कई बार बोलचाल में भी करते हैं. जैसे मैं कहूँ वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, राइट. अब देखिए वन ऑफ माय
फ्रेंड नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए। और वाक्य का सब्जेक्ट एक का साउंड दे रहा है, सिंगुलर है, तो मुझे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। लेकिन वन के बाद में ऑफ आया है, दा के बदले हमने यहाँ पे माय यूज किया है, तो हमारा जो नाउन है इट इज इन प्लुरल फॉर्म, बट द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म। तो आप यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी वाक्य का सब्जेक्ट वन का साउंड दे, एक का साउंड दे, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। ईच, एवरी, ईदर, नेदर प्लस नाउन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। ये हम सम अप कर रहे हैं अपना। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं इसके बाद में अगर ऑफ आता है और द आता है, तो आपका जो नाउन आएगा इट शुड बी प्लूरल, वर्ब विल बी सिंगुलर। सिमिलरली इधर के बाद में ऑफ आएगा या द आएगा, तो नाउन शुड बी प्लूरल बट द वर्ब शुड बी सिंगुलर। नेदर के बाद में ऑफ आएगा द आएगा, तो ध्यान रखेंगे नाउन शुड बी प्लूरल, वर्ब शुड बी सिंगुलर। वन के बाद में ऑफ आएगा द आएगा, तो नाउन शुड बी प्लूरल, वर्ब शुड बी सिंगुलर, जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पे है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, हम अपने कई फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मैं उसमें से एक की बात कर रहा हूँ कि वो एक डॉक्टर है, और वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो वर्ब जो है सिंगुलर रहेगा। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। ये मैंने इक्वेशन बना दी है आपके लिए, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और ये तीन, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमें जब सोल्व करना है तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा इन चीज़ों का कि कब नाउन प्लूरल आएगा और नाउन कब सिंगुलर आता है। लेकिन आपका जो वर्ब है वो हमेशा ही सिंगुलर रहता है भाई, ये ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी अगर दा ना दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे इस जगह पे कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सातों क्या हैं, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना। तो यहाँ पे दा अगर आएगा तो भी ये नाउन बहुवचन में ही रहेगा, दा ना आए तो यहाँ पे क्या आ गया है हमारा माय। तो मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं हमारे, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सातों हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस इक्वेशन में अगर आपको दा ना दिखाई दे और आपको इनमें से सातों में से कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव दिखाई देता है, तो भी भाई इक्वेशन सेम रहेगी और आपको इसी के हिसाब से आपको अपना एरर निकालना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दा ना दिखाई दे और इनमें से कुछ आपको दे दे तो डोंट गेट कन्फ्यूज, चीज़ वही है, दा के बदले पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। सो यू कैन सॉल्व इट इजीली नाउ। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।